एक्शन और मैंने ये लिया है गाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे। आज सारे लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, जा रहे आयो, बहुत धूप है तो पानी ब्रेक। सब कौन सा दुकान है? तो हम लोग जा रहे हैं अभी आसनसोल मार्केट, निकल चुके हैं और ये रही मम्मी। सो आगे दिखाऊंगी जहाँ जो भी मार्केट जाऊंगी। फिलहाल बहुत धूप है और निकल गए, मिलते हुए मैं आपको आगे। तो अभी बी एन घाटी गली जा रहे हैं हम, और फिर से मैंने अच्छा घाटी गली जाऊंगी, फिर वहाँ से पैदल जाऊंगी। सीधा रास्ता है, पैदल जाना है और 2 मिनट का, भैया बता रहे हैं मुझे ज़्यादा पता नहीं। अच्छा बी एन घाटी का दुकान है ना, वहाँ क्या मिलता है? कपड़े वगैरह सब कुछ। तो चलिए देखते हैं वहाँ जाके क्या क्या मिलता है, कैसा है। सो अभी निकल चुकी हूँ मैं। भैया कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे भैया बी एन घाटी के बारे में? बी एन घाटी के बारे में जी, जो कपड़ा का कलेक्शन है ना, हाँ आसनसोल मार्केट में बेस्ट है। आसनसोल मार्केट से, अरे कितना दूर दूर से आता है बी एन घाटी में मार्केट करने में। सो कह रहे हैं भैया का आदमी, चित्तरंजन का आदमी सब बी एन घाटी में, कपड़ा का आस्था है बी एन घाटी। रेट भी अच्छा है, रेट भी अच्छा मिलेगा और कपड़े के लिए फेमस है बी एन घाटी, दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा तो जाके देखते हैं बी एन घाटी कैसा घाटी गली नाम पर। अच्छा इसीलिए घाटी गली नाम भी है कह रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं नहीं घाटी गली वो अलग से नाम है, बी एन घाटी से मतलब नहीं है। जो भी स्टोरी है, घाटी परिवार है ना, ये ज्यादा जो रूट है ना। सो बी एन घाटी देखेंगे आज हम इस गली में। अच्छा बता रही थी घाटी गली में दवाई का होलसेलर मिल जाएगा आपको, है ना मम्मी? सब कौन सा दुकान है? सोना चांदी का दुकान है सारे इधर से। अभी घाटी में जाइएगा, ये सीधे रास्ते में जाइए, थोड़ा जाके बाया हाथ में जाइए, वो तो दुकान ना यहीं पे उतरना है क्या? घाटी गली मतलब यही होता है। ओके उतर गई हूँ, अब देखते हैं कहाँ जाएंगे हम। ई रिक्शा से उतर चुके हैं और अब पैदल जाएंगे थोड़ा अंदर मार्केट में। सो अभी हम चल रहे हैं और देखते हैं अंदर का मार्केट कैसा है। और पीछे ये रही मम्मी, कहती मम्मी से कि यहाँ क्यों फेमस है घाटी गली, तो कह रहे हैं यहाँ ज्वेलरी शॉप वगैरह बहुत मिल जाएंगे आपको, और दवाई का होलसेलर मिल जाएगा, और कपड़े सस्ते और अच्छे भी मिल जाएंगे, दूर से लोग आते हैं शॉपिंग के लिए। आप देखते हैं आज क्या है कैसा है। सो देख सकते हो अब ये ज्वेलरी का शॉप है, क्या नाम है, सुहास स्टोर ऐसा कुछ है, पर आगे चल के और देखते हैं आगे और क्या क्या है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है मार्केट। क्या यहाँ पे देखते हैं कुछ, सुहाग स्टोर है एंड ये कलेक्शन दिख रहा है। भैया कह रहे सूज उतारने, तो सूज उतार के आना है अंदर, यहाँ फोन पे वगैरह भी है और ये कलेक्शन है सारे। कुछ कलेक्शन वगैरह है, लेटेस्ट इयररिंग एंड नेकलेस वगैरह, और यहाँ पे फिक्स्ड रेट है, नो रिफंड नो एक्सचेंज लिखा है। और देख सकते हो आप इस टाइप से लेटेस्ट कलेक्शन दिख रहा है मुझे तो, और मैं देखती हूँ अच्छे से कि क्या क्या है, और फिलहाल तो देख रही हूँ कौन सा क्या है। देख सकते हो ये सब ऑक्सीडाइज्ड नेकलेस एंड इयररिंग आ जाता है। अलग ही नेकलेस पीस देखने को मिल रहा है, ये सब मैंने देखा नहीं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब। इसका प्राइस भी लिखा है 180 एंड ये 210, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मल्टी कलर सेट है। ये ऑक्सीडाइज में आ जाते हैं, 180 लिखा है प्राइस, फिक्स्ड होगा यहाँ पे।
सो यहाँ पे कैरी फिक्स नहीं है, डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट भी मिलेगा आपको यहाँ पे। फिलहाल हम देख रहे हैं कुछ लेने को, मम्मी के हाथ में कुछ है। प्राइस इसका 345, ये ले रही क्या अपने लिए? वाह। और मैंने ये लिया है गाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑक्सीडाइज नेकलेस सेट है पूरा, इसका प्राइस है 390, इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा मुझे, तो मैं ये बाई कर रही हूँ फिलहाल। पूजा का सामान मिलता है, सो यहाँ पे पूजा का सामान मिलता है, आप देख सकते हो। फर्स्ट फ्लोर तेरे कौन सा, किधर जाना है? इधर। कोलकाता बाजार के पास, ये कोलकाता बाजार है और इधर ज्वेलरी शॉप है, तो एक बार वहाँ जाएंगे हम, कलेक्शन देखेंगे ज्वेलरी शॉप में, इसलिए क्योंकि मेरे भाई की शादी आने वाली है तो उसके लिए शॉपिंग करना है, तो ज्वेलरी शॉप में जाकर देखेंगे। तो अभी रोड क्रॉस करूँगी और भी बहुत सारे मनी करेंट इसी में। कहाँ जा रहा है? इस साइड। ब्रदर्स ज्वेलर्स दिख रहा है, शायद बंद है, देखते हैं पास में जाके। ताला लॉक है, बंद है। रॉय ज्वेलर्स तो बंद है फिलहाल। गहना घर उसके बगल में रॉय ज्वेलर्स, ये बंद है फिलहाल। अब क्या करेंगे, बंद निकला और हम लोग कड़ी धूप में घूम रहे हैं दोपहर के समय। तो पानी भी लेके आई हूँ, बहुत धूप है तो पानी ब्रेक। और अभी हम जाएंगे अलंकार ज्वेलर्स, मैंने ऑनलाइन सर्च किया है, यहाँ से 7 मिनट्स है, तो पैदल चलूँगी। और चलिए चलते हैं और देखते हैं कलेक्शन वगैरह। शॉपिंग चल रही है, ज्वेलरी शॉप में बैठी हूँ और बहुत भीड़ है यहाँ, खड़े रहने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। और मम्मी कह रहे हैं ऐसे ही सोने का रेट बढ़ता है ना, भीड़ होने से। इतनी भीड़ क्यों हो रही है, आज सारे लोग शॉपिंग करने आ गए ज्वेलरी, और कब खत्म हो गई भीड़। ज्वेलरी शॉप में 5 घंटे लग गए और अब हम फाइनली निकले हैं और देख सकते हो आप, रात हो गई है। सो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूं घर और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूं। इस ब्लॉग का पार्ट 2 भी आने वाला है, तो उसके लिए बने रहे और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।